हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की रेसिपी है भेलपूरी, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल में हम कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हमने बारीक काट लिया है। कटे हुए टमाटर भी हमने बारीक काट लिए। बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ बॉईल किया हुआ आलू। अब हम इसमें बारीक नमकीन डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर, नमक, जलजीरा, धनिया जीरा। अब हम इसमें एक कटोरी मुरमुरे डालेंगे। हमने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें हरी चटनी डालेंगे। टमाटो केचप, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, भेलपूरी बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी भेलपूरी बनी है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।